छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसके पहले अब प्रत्याशियों के द्वारा अपने नामांकन दाखिल किए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भाजपा ने छिंदवाड़ा विधानसभा में विवेक बंटी साहू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज भाजपा जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने माता पिता और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। एसडीएम कार्यालय में जिला पंचायत सीओ पार्थ जायसवाल ने उनका नामांकन पर्चा लिया। मीडिया से चर्चा में भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने बताया कि नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में नवमी के दिन उन्होंने अपना शुभ मुहूर्त का नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाया कि पिछले 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कोई विकास कार्य नहीं किए। भाजपा सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, जनता इसका आशीर्वाद जरूर देगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 26 अक्टूबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले को मिलाकर 7 विधानसभा सीटों में पिछली बार कांग्रेस का कब्जा था। इस बार फिर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को ही प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने चौरई से लखन वर्मा, अमरवाड़ा से मोनिका बट्टी, परासिया से ज्योति डेहरिया और पांडुना से प्रकाश उइके को मैदान में उतारा है। ये सभी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव में पहले भी लड़ चुके हैं। इस बार फिर दोनों के बीच मुकाबला होगा। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवमी के दिन आज शुभ मुहूर्त में पर्चा मैंने दाखिल किया है। यह हमारा मुहूर्त का पर्चा है और नामांकन रैली इस दिन हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता लोग आएंगे, उनके नेतृत्व में हम नामांकन रैली निकालेंगे। लेकिन आज मुहूर्त था, इस अवसर पर आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। मैं शहर की और हमारी विधानसभा की जनता को सर्वप्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नवमी की शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती के चरणों में नमन करता हूँ। से ही कामना करता हूँ कि हमारे छिंदवाड़े पर माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमारे देश पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आज नवमी के अवसर पर सभी नगरवासी एवं विधानसभा वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके भतीजे के रूप में लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। छिंदवाड़े में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, छिंदवाड़े की जनता की आवाज़, जिस तरीके से छिंदवाड़े में माफिया राज, शराब माफिया, गुंडागर्दी से जो अभी तक चुनाव जीतते हुए आए हैं और छिंदवाड़े की जनता को दरकिनार करते हुए हमने देखा है कि जो कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी हुए हैं, पिछली बार विधायक भी रह चुके हैं लेकिन 4.5 साल से अधिक समय विधायक रहे, छिंदवाड़ा विधानसभा के कभी किसी एक गाँव में नहीं गए, किसी के पास एक जाकर के मिले नहीं, किसी से बातचीत नहीं की, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, किसी की परेशानी समस्या को नहीं जाने। तो आज नगर की जनता, हमारी विधानसभा की जनता एक सेवक चाहती है और निश्चित तौर पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने जो अभी एक विपत्ति आई थी पूरी मानव प्रजाति के खिलाफ कोरोना काल, तो उसमें हम लोगों ने सेवा करें और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में है। और कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, छिंदवाड़े के साथ जो उन्होंने सौतेला व्यवहार किया, छिंदवाड़े के विकास को कोई उन्होंने गति नहीं दी, छिंदवाड़े किसी डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया, ये हम जनता के बीच में लेकर दिखाएंगे। कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ प्रत्याशी है, वो मैं उन्हें कोई चुनौती नहीं मानता, वो एक उद्योगपति है और उद्योगपति होने के नाते वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, चुनावों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, शराब की नदियां बहा देते हैं, गुंडों और माफियाओं के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता न डर में आएगी न किसी प्रलोभन में आएगी, वो अपने बेटे का साथ देगी। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से गजानन बोरकर की रिपोर्ट।